पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनके कुछ सवाल है बिजनेस से रिलेटेड, तो मैं अपने एनालिसिस के थ्रू आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले आपकी लिटिल फिंगर की तरफ चलें तो रिंग फिंगर के फर्स्ट पैन तक नहीं पहुँच पाई, थोड़ी छोटी है तो दर्शाती है कि आप पंचल नहीं है। यदि आप किसी को टाइम देते हैं तो आप वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं। दूसरा, फाइल हैंडिंग, मनी मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, याद शक्ति, इन सब में आप थोड़े कच्चे हैं। आपकी जो रिंग फिंगर है वो इंडेक्स फिंगर से बड़ी है, तो दिखाती है कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। बाई चांस आपको इन्वेस्टमेंट करके कहीं लॉस भी हो जाता है तो आप उसको बहुत जल्दी कवर भी कर लेंगे और जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। आपकी रिंग फिंगर झुक रही है, बेंड हो रही है मिडिल फिंगर की तरफ, तो दर्शाती है कि आपको नेम फेम पाने की इच्छा बहुत है, यश पाने की इच्छा बहुत है, आप चाहते हैं कि आपका आपका नाम हर जगह हो। आपकी इंडेक्स फिंगर भी थोड़ी बहुत बेंड हो रही है मिडिल फिंगर की तरफ, तो दर्शाती है कि आपकी जो आपकी धार्मिक प्रवृत्ति है, पूजा पाठ में अधिक ध्यान है और परमात्मा पर आपका विश्वास है। फिंगर्स के बीच में गैप है तो दिखाता है इंडिपेंडेंट थिंकिंग के बारे में और थोड़ा बहुत खर्चीला स्वभाव भी है आपका। जब धनुषाकार रेखा नहीं बन पाती है तो दर्शाती है कि जब भी आपकी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगे आप उनको नहीं ग्रैब कर पाएंगे टाइम पर और बाद में इस चीज़ का रिग्रेट होगा कि काश मैंने डिसीजन टाइम पर लिया होता। जो आपका मर्करी माउंट है यह दर्शा रहा है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। आपके मर्करी माउंट पर 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा भी दिख रही है मुझे, तो यह दर्शाती है कि आप बिजनेस माइंडेड हैं, बिजनेस सेंस अच्छा है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो इसमें आपको अच्छा फायदा मिलेगा। आपकी वाणी मीठी है और एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी भी है। आपकी मार्केट नॉलेज और मार्केट सेंस भी अच्छा है। यदि आप अपने मर्करी माउंट को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं, हरी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जैसे कि खाने के लिए हरी सब्जियां हो गई और पहनने के लिए हरे कपड़े हो गए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हरी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपका मर्करी माउंट और भी ज़्यादा मजबूत होता चला जाएगा और आपको अच्छे परिणाम देगा। जब आपका मर्करी माउंट है वो सन माउंट की तरफ शिफ्ट हो गया है तो दर्शाता है कि आपको नेम फेम पाने की इच्छा बहुत है, आप चाहते हैं कि आपकी नाम चर्चा हर जगह हो। सन माउंट एकदम फ्लैट और यहाँ पर एक तिल भी बन रहा है, देखिए तिल हाथ पाल में कहीं भी हो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ये आपको मान सम्मान में हानि दिलाएगा, अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है आपको, आपको अपने पिता से रिलेटेड इश्यूज भी रह सकते हैं। कभी कभी है आंखों से और सरदर्द से संबंधित समस्या भी देता है। आपको अपनी लाइफ में स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा। यदि आप सन माउंट को मजबूत करना चाहते हैं तो सुबह सुबह उठकर सूर्य देव को वर्क दें तो इससे आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। सेम ही आपका सैटर्न माउंट है, बिल्कुल फ्लैट है, तो आपको जीवन में आप आलसी नहीं है लेकिन आपको जीवन में परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। देखिए आपके जो शनि पर्वत है उस पर तिल है, यहाँ पर तिल होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ये दिखाता है कि आपको अगर लाइफ में कहीं भी इन्वेस्ट करें तो उसको सोच समझ कर करें, आपको नुकसान मिल सकता है। लोन ना लें, लोन रीपेमेंट में भी दिक्कत होंगी, आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है जब शनि पर्वत पे तिल हो। यह दिखाता है कि आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा, परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, सक्सेस आपको थोड़ी लेट मिलेगी और बहुत ही धीरे धीरे सक्सेस मिलेगी, इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी, धैर्य रखें, धैर्य रखने से ही काम बनता है। एक चीज़ और देखी गई है, जब शनि पर्वत पे तिल होता है तो ऐसे लोगों को थोड़ा अकेला महसूस होता है, चाहे वो भीड़ में ही क्यों ना खड़े हों, तो यह चीज़ भी देखी गई है। यदि आप इससे रिलेटेड उपाय करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा यही है कि आप शिव जी की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, तो इससे आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। और आपको बड़े बूढ़ों की भी सेवा करनी चाहिए, बाकी इसके रिगार्डिंग आपको रेमेडीज करनी ही करनी होंगी। अब चलते हैं आपके जुपिटर माउंट पर। जुपिटर माउंट पर जो ये रेखा दिखाती है कि मल्टीपल इनकम के सोर्स, और यहाँ पर एक गुरु वलय का साइन भी बनता हुआ दिख रहा है। देखिए गुरु वलय का साइन ऑस्पिशियस होता है, आप एकांत प्रिय और ईमानदार व्यक्ति हैं, आप अपने अच्छे कर्मों द्वारा पुण्य कमाते हैं और आपकी आपकी हेल्पिंग नेचर भी है, तो दूसरों की मदद भी करते हैं। आपका ध्यान रहस्यमय विद्याओं में भी जा सकता है, जैसे कि पाल्मिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु के फील्ड जो होगा, इन सब में आपका ध्यान आकर्षित होगा। देखिए आप जितना पूजा पाठ करेंगे, दान दक्षिणा जैसे कार्य करेंगे, चैरिटी हो गया, डोनेशन हो गया, बच्चों की शिक्षा में जितना दान देंगे उससे आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। यदि आपके आउटर मार्क्स पर चले तो आउटर मार्क्स आपका अच्छा है, साहसी हैं आप, प्रतिरोध क्षमता भी अच्छी है। यहाँ पर दो आड़ी रेखाएं मुझे दिख रही हैं, तो ये दर्शाती हैं कि आपको शत्रु से हानि होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके शत्रु ऐसे हो सकते हैं कि वो चाहेंगे कि आपका नुकसान जरूर हो, इस चीज़ के लिए भी आप सतर्क रहें। जो आपका मून माउंट है, मून माउंट आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है, जितना स्पेस से मिलना चाहिए, जितना उभारे से मिलना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं मिल पाया है, तो दिखाता है कि मन में अशांति, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग की समस्या, विचारों में अशुद्धता आ जाना, मन शांत ना रहना और थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर दिखाता है। ध्यान से देखने का पता चलेगा कि यहाँ पर क्रॉस का साइन भी बन रहा है। देखिए मून माउंट पर क्रॉस का साइन बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है, दिखाता है कि आपको ओवर थिंकिंग की समस्या बहुत है, आप सोचते बहुत हैं, बेफिजूल की चिंताएं करते हैं, हद से ज़्यादा कल्पनाशील है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। आपको रियलिस्टिक होना चाहिए, आपको लाइफ को लेकर प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी चाहिए। यदि आप अपने चंद्र पर्वत को मजबूत करना चाहते हैं
तो आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। आप जानते ही होंगे जो चंद्रदेव होते हैं वो शिव जी के सर पर विराजते हैं, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप महादेव की पूजा करेंगे उतना ही आपको चंद्रदेव अच्छे परिणाम देंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग आपको रेमेडीज करनी चाहिए। वीनस माउंट पर वर्टिकल लाइन से दिखाती है, अगर आप इनको अपने इनकम को, अपने पैसे को अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। इन्वेस्ट का मेरा मतलब यह है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें अच्छा फ़ायदा है। बाकी एक दो आड़ी रेखाएं भी हैं तो थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्या तो रहेंगी ही। आउटर मार्स आपका अच्छा है तो यह आपको अच्छा स्टेमिना और अच्छी फिजिकल एनर्जी दे रहा है। एक सपोर्टिंग लाइन भी है आपके पल में तो दर्शाती है जब भी आपको आपकी लाइफ में मुश्किलें आएंगी, परेशानी आएंगी, तब कोई ना कोई आपके साथ ज़रूर खड़ा होगा, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर में से कोई हो, फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, कोई भी हो सकता है। लेकिन जब भी आपके पास परेशानी आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, तब आपको इनसे बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई आपके साथ खड़ा हुआ ज़रूर मिलेगा। आपकी लाइफ लाइन स्मूथ चली है, थोड़ी बहुत राहु रेखाओं ने इसे काटा है, लेकिन जो आपके पाल में सपोर्टिव लाइन है उसने राहु रेखा का प्रभाव है थोड़ा कम कर दिया है। ऑफ शूट भी मुझे दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से, तो जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी के योग बना रहे हैं। देखिए जो आपकी लाइफ लाइन है इस प्रकार से डिवाइड हो रही है, तो दिखाती है कि आपके संतान लायक निकलेगी, मल्टीपल ट्रैवलिंग्स और थोड़ी बहुत बुढ़ापे में हेल्थ इश्यूज भी रह सकते हैं। यदि आपकी माइंड लाइन को देखें, माइंड लाइन जीवन रेखा से चली है और इस प्रकार से पूरे हाथ को पार कर रही है। जब माइंड लाइन ज़्यादा लंबी हो जाती है तो ये दिखाती है कि मेमोरी शार्प होती है, पुरानी सी पुरानी बातों को आप याद रखते हैं, हर बात की डिटेल्स में जाना पसंद है आपको, मतलब कहने का मतलब हर बात की जड़ तक जाना, और दिखाता है कि आप अपने काम में एक्यूरेसी भी रखते हैं। जबकि हार्ट लाइन है वो जुपिटर माउंट और सैटर्न माउंट के बीच में चली गई है, तो दिखाती है कि तो आपके लिए पैसा, वर्क, फैमिली सभी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, काम आपके लिए सभी बराबर है। जो आपका काम करने का शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, आपके लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता होगा, फैमिली के लिए भी। आप अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर नहीं करते, बहुत कम ही लोग होंगे जो आपके बारे में ज़्यादा जानते होंगे। आपको अपने इमोशन शेयर करना किसी के साथ भी पसंद नहीं होता, बहुत ही सीक्रेटेड टाइप पर्सनैलिटी हो जाती है और अपनी बातों को मन में ही रखते हैं आप। यह दिखाती है कि आप एक आदर्शवादी व्यक्ति हैं और अपने लाइफ पार्टनर के लिए लॉयल भी हैं। देखिए आपकी जो फेट लाइन है वो चंद्र पर्वत से निकली है, तो यह दिखाती है कि आपका जो भाग्य उदय होगा वो घर से बाहर होगा, बाहर के लोगों से, जन्मभूमि से दूर आपका भाग्य उदय है। आपको बाहरी लोगों से काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट है और यह उत्तम भाग्य रेखा होती है। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद से पैसा कमाने में सक्षम है। ऐसे व्यक्ति जल के पास रहना पसंद करते हैं, जैसे कि नदी, तालाब, झील, समुद्र, ऐसी जगह पर टाइम स्पेंड करना पसंद होता है। लेकिन जो आपकी फेट लाइन है वो इस प्रकार से राहु रेखाओं के वार के बाद थोड़ी धुंधली पड़ गई है, तो दिखाती है कि थोड़ी बहुत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, आर्थिक रूप से समस्याएं आएंगी, तो इसके रिगार्डिंग आप रेमेडीज ज़रूर करना। बाकी हार्ट लाइन से इस प्रकार से रेखा निकल रही है तो दर्शा रही है कि आपकी लाइफ में जब भी आप किसी को बड़ा पैसा देंगे, अपने आसपास रिलेटिव को या नियर एंड डियर को, वो लौट कर नहीं आ पाएगा। और जबकि हार्ट लाइन है वो थोड़ी डबल होकर चली है, तो बुढ़ापे में हेल्थ इश्यूज़ की समस्या रहेगी, तो इसके रिगार्डिंग आप रेमेडीज ज़रूर करिएगा। और ऑयली फूड और फास्ट फूड का सेवन कम कर दीजिए, सुबह सुबह उठकर योगा और मेडिटेशन कीजिए, उससे आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। मैंने ऑलमोस्ट आपके पाल का एनालिसिस कर दिया है। आपके पाल में जो मेजर इश्यूज़ हैं वो यही हैं कि आपके पाल में थोड़ी बहुत फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है, मान सम्मान में हानि है, जितना आप चाहते हैं कि आपको नेम पे मिले उतनी नहीं मिल पाई है, उसके रिगार्डिंग आपको परिश्रम बहुत करना पड़ रहा है, मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, और आपको जो सक्सेस मिल रही है बहुत लेट और बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे मिल रही है, तो इसके रिगार्डिंग आप रेमेडी ज़रूर करिएगा। देखिए तिल आपके पाल में दोनों ही जगह तिल है, सूर्य पर्वत और शनि पर्वत दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इन दोनों पर ही तिल अशुभ परिणाम दे रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा में हानि मिल रही है, पिता से संबंधों को भी ख़राब बनाता है, कभी कभी तो पिता के सुख में भी कमी देखने को मिल जाती है। आपके पाल में मेजर इश्यूज यही दोनों थे, दूसरा आपको ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और थोड़ी बहुत डिप्रेशन की भी समस्या हो सकती है। चंद पर आपके क्रॉस का साइन बन रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है ये, ज़्यादा इमेजिन करना ये दिखाता है। आपको रेमेडीज किस किस चीज़ की करनी होंगी, सन माउंट की, सैटर्न माउंट की, मून माउंट की और फेट लाइन को मजबूत करने की, ये सारी चीज़ें कीजिए, आपको जीवन में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। और जो भी आपकी लाइफ में रुकावटें आ रही हैं, बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएंगी। रेमेडीज़ आप ज़रूर करिएगा, रोज़ाना आपको रेमेडीज़ करनी होंगी, ऐसी कोई ज़्यादा हार्ड रेमेडीज़ नहीं दे रही हूँ मैं, बहुत सिंपल सी होती है। तो आप मुझे वीडियो देखने के बाद तुरंत मैसेज कर दीजिएगा कि आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग रेमेडीज़ चाहिए, तो मैं आपको पर्सनली व्हाट्सअप पर ही सेंड कर दूँगी। बाकी फिर भी आपकी कोई क्वेरीज रह जाती हैं, कोई डाउट रह जाता है, तो वो भी आप मुझसे वहीं पूछ लीजिएगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में।